प्रशासन एक सिक्के के दो पहलू हैं। पत्रकारों का प्रशासन से समन्वय बिगड़ने पर समस्याएं खड़ी होती है। जब कायथा का प्रकरण हुआ तब मुझे तराना आए एक सप्ताह भी नहीं हुआ था। इस प्रकरण को लेकर पत्रकार मेरे पास आते थे तो मुझे अजीब सा लगता था। मैं क्या मदद कर सकती? ठीक है अंत भला सो सब भला, आपने लड़ाई लड़ी और जीती। यह बात अनुविभागीय अधिकारी एकता जायसवाल ने यूनाइटेड प्रेस क्लब ऑर्गेनाइजेशन तराना द्वारा कायथा थाना प्रभारी उप निरीक्षक प्रदीप सिंह राजपूत द्वारा षड्यंत्र पूर्वक राजनीतिक दबाव एवं द्वेषता के चलते राहुल राठौर की शिकायत पर पत्रकार नूतन गिरी पर लगाई गई धारा को माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा निरस्त करने पर मारुति मंदिर कायथा में आयोजित पत्रकार मिलन समारोह के अवसर पर कही। जायसवाल ने अधिकारी को संदेश देते हुए कहा कि प्रेस के किसी सदस्य के प्रति अधिकारियों के मन में नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मकता स्वयं को तो समाप्त करती है, संबंधों को भी समाप्त कर देती है। पटवारी, तहसीलदार, थाना प्रभारी, एसडीओपी हो या एसडीएम, हम प्रशासन के वह छुपे हुए चेहरे हैं जो सामने हैं। हमारा भाव अच्छा होना चाहिए, यह सहयोगात्मक चलते हैं, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम के विशेष अतिथि तहसीलदार सोनम भगत ने कहा, पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पत्रकार ऐसी चीजों को बाहर निकाल कर सामने लाते हैं जिन तक हमारा ध्यान नहीं जाता। परिस्थितियां कैसी है, क्या सही और क्या गलत है, उन परिस्थितियों को तोड़ मरोड़ कर सभी को अलग अलग करना और लोगों को दिखाना यह कार्य पत्रकारिता के माध्यम से होता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के अधिवक्ता नकुल वाजपेयी ने कहा, नूतन ही मेरे पक्षकार नहीं है। इस प्रकरण में जिन जिन लोगों ने सहयोग प्रदान किया वह सब मेरे पक्षकार हैं। नूतन के लिए मैं लड़ा, वे विजयी हुए, उनका सौभाग्य था, मेरी मेहनत सफल हुई। कार्यक्रम में यूनाइटेड के प्रदेश सचिव विजय नीमा एवं शाजापुर जिलाध्यक्ष शब्बीर हुसैन ने भी अपने विचार रखे। अतिथियों का साफा बांधकर पुष्पमाला से स्वागत कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम से पूर्व प्रातः 9 बजे कटाचूर भक्त मंडल के श्यामू जोशी की टीम द्वारा भव्य संगीतमय सुंदरकांड का आयोजित किया गया। अंत में अतिथियों को स्मृति चिन्ह एवं कलमकारों को कलम प्रदान की गई। कार्यक्रम में जितेंद्र सिंह सिसोदिया, जयराज सिंह सिसोदिया, वरिष्ठ पत्रकार मोहन मेहता, अजय नीमा, महेश सोनगरा, मयंक गुर्जर, राजेंद्र परिहार, प्रकाश राणावत, विक्रम गुर्जर, मोहन गुर्जर, शिवनारायण चांदना आदि सहित उज्जैन, बड़नगर, शाजापुर, अकोदिया, मक्सी, महत्वपूर्ण के पत्रकार साथी एवं कायथा के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। स्वागत कार्यक्रम का संचालन तहसील अध्यक्ष अर्पित बोडाना ने एवं कार्यक्रम का संचालन कवि महेश शर्मा ने किया। आभार कोषाध्यक्ष सतीश जायसवाल ने माना। उसके पीछे कहीं ना कहीं वो फीलिंग थी 2006 वाली कि मेरे बच्चे बड़े छोटे छोटे थे और मैं यहाँ पढ़ाई करती थी, तो मुझे जो सहयोग लोगों ने किया और जो ऐसे होता है ना कि हमारे शहर की लड़की बनी, वैसी फीलिंग कराना वालों में थी कि अरे ये मैडम यहीं से बनी थी, अरे मैडम यहीं पढ़ाई करती थी। तो बड़ा अच्छा एहसास हुआ। आने के बाद थोड़ा सा बड़नगर से निकल के आई थी तो विजय को पता है, ये मेरे साथी लोग हैं महेश और ये, इन्होंने, मैंने 3 साल लगातार बड़नगर में काम किया, निर्विवाद रूप से कंटिन्यू काम किया। वो मेरा ट्रांसफ़र किसी ने करवाया नहीं, परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि कोरोना आ गया, प्रेस ने जो मुझे सहयोग किया, ये तो कोरोना के रोज मरीज आ रहे थे, आज कोरोना पॉजिटिव आता है तो डर नहीं लगता, प्रेस में भी कोई हड़कंप नहीं मचता, उस वक्त एक पॉजिटिव आ जाता था तो हड़कंप मच जाता था और ऐसा लगता था कि प्रशासन को लगता था कि पकड़ के जूते मारे लोग कि क्या करेंगे एसडीएम, मतलब फ़ोन आना शुरू हो जाते। मैंने एक एक दिन में 500 फ़ोन अटेंड किए, मैंने एक एक दिन में 500 अनुमतियाँ जारी की, पर मेरा ये नियम था कि बिना चिड़े काम करना। मैं अपने अधीनस्थ को भी कहती हूँ, दो तरह से काम हो सकता है, या तो खुश होके करो या दुखी होके करो, या करना ही है तो खुश होके करो और लोगों से अभद्र व्यवहार मत करो, लोगों से अच्छे से बात करो। आप किसी का काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं ये आपकी लीगल सिचुएशन हो सकती है, लेकिन कोई आपके पास आ रहा है तो आपको उसको सुनना तो चाहिए ही। ये मेरी शुरू से मानसिकता रही। तो जब मैं बड़नगर से आई तो एकदम ऐसा लगा, पता है, कि मैं बहुत डिफरेंट प्लेस पर आ गई हूँ। तो मेरे को बड़ा अजीब लगने लगा। मैंने सोनम से एक बार शेयर की कि मैं रह पाऊँगी कि नहीं रह पाऊँगी यहाँ, क्योंकि बदनावर, बड़नगर के बाद तराना आना थोड़ा सा अलग, ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है आप जैसा जानते हैं, माकड़ों में थोड़ा सा अर्बनाइज था बड़नगर, थोड़ा सा ही ग्रामीण। परिवार के 6 लोगों का निधन हुआ तो आप सोचिए, अंतिम संस्कार तक करवाया, अंतिम संस्कार तक करवाया। और जब मेरा ट्रांसफर हुआ तो वो वेद परिवार ने मुझे फ़ोन किया, सोचिए जिसके लोग 6 खत्म हो गए हों, वो तो गाली बकेगा प्रशासन को, लेकिन वो वैद परिवार के लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि क्या मैडम आपका हमारी वजह से ट्रांसफ़र हो रहा है,
मैंने कहा नहीं आपकी वजह से नहीं हो रहा, रूटीन है, 3 साल हो चुका है, जाना है। अगर मेरी वजह से हो रहा है, हमारे परिवार की वजह से हो रहा है, तो हम तो सीएम के सामने भी खड़े होने को तैयार है कि अगर किसी ने हमें मदद की तो वो आप थे, किसी ने अगर हमको सपोर्ट किया तो वो आप थे। अब सिस्टम में उस समय सैंपलिंग की सिस्टम नहीं था, एक ही जगह